Good morning students, myself Pushpa Sharma from Radiant Public School. Students, today I am going to teach you in class 5 subject English. So you all of you listen carefully. So today I explain lesson number 11, a naughty monkey. Naughty means nutcut. यानी कि यहाँ पर हम लोग इस कविता में नटखट बंदर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो आप लोग आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छा से समझेंगे, मेरा कविता को समझाते हुए ध्यान से सुनेंगे. तो देखिए यहाँ पर दिया है, मिस्टर मंकी सीटिंग ऑन द ट्रीज ईटिंग फ्रूट्स एंड प्लेइंग विथ बीस. यानी कि यहाँ पर एक बंदर का वर्णन किया गया है, बंदर के बारे में, एक नटखट बंदर है उसके बारे में वर्णन किया गया है इस कविता में. तो यहाँ पर देखिए, मिस्टर मंकी सिटिंग ऑन द ट्रीज ईटिंग फ्रूट्स एंड प्लेइंग विथ बीस. यानी कि एक बंदर है जो पेड़ पर बैठा हुआ और क्या कर रहा है, वो पेड़ पर का फल तोड़ के खा रहा है और खेल रहा है. खेल रहा किसके साथ, बीस के साथ खेल रहा है. तो यहाँ पर बीस मीन्स क्या होता है, मधुमक्खियाँ. बीस मीन्स मधुमक्खियों के साथ भी खेल रहा, पेड़ पे जो मधुमक्खियाँ उनके साथ. ही इज़ ऑलवेज हैप्पी नॉट बॉदर्ड अबाउट टुमारो एंड रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय सॉरो. मिस्टर मंकी यानी कि बंदर क्या कर रहा था, हमेशा वो खुश रहता था, उसको कभी भी कल के बारे में चिंता नहीं होती थी. And remains unaffected by sorrow, यानी कि उस पर कभी भी उदासी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था बंदर पे. Always looks at the bright side, nothing can bring him fright. Oh, I wish I could be happy like him. And like him anything go to play, sleep or swim. यानी कि always look at the bright side, यानी कि वो हमेशा ध्यान से देखता था, मतलब कि जहाँ पर रोशनी हो, ब्राइट, ब्राइट मीन्स शांत, मतलब रोशनी अच्छा से हो. कभी भी मतलब कि वो किसी भी चीज़ से कोई डरता नहीं था, वो हमेशा ही खुश रहता था. एंड लाइक हिम एनीथिंग गो टू प्ले स्लीप और स्विम. वो जब भी अपना हमेशा खेलने के बाद वो क्या करता था, वो सोता था या पानी में तैरता था. स्विम मीन्स तैरना. तो इस तरह से ये नटखट बंदर अपना जीवन बिताता था, बेफिक्र, यानी कि किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं थी उसको, और हमेशा वो खुश रहता था, कभी उदास नहीं रहता था. तो बच्चों, ये आपका नटखट मंकी कविता है, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया. और नीचे कुछ आपको वर्ड मीनिंग्स भी दिया है, आप लोग पढ़ लेंगे. और बच्चों, मैंने इस लेसन का बुक वर्क मैंने आप सबको इस महीने के यानी कि अगस्त महीने के 11 तारीख को ही मैंने आपको व्हाट्सएप पे आपको सेंड कर दिया है इसका बुक वर्क. आशा करती हूँ कि आप लोग ये बुक वर्क भी आप लोग बना लिए हों. देखिए मैं आपको बुक वर्क को भी दिखा रही हूँ, आप लोग देख करके समझ लेंगे, और जो नहीं कंप्लीट किए हैं वो लोग बना भी लेंगे. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.